हे दोस्तों, आप अगर रीसेलर्स हो या फिर रीसेलर बनना चाहते हो तो डेफिनेटली एक इशू आप बहुत ज़्यादा फेस करते हो, वो है फेक होलसेलर। अब देखो लोग क्या करते हैं, इंस्टाग्राम में जाके ढूंढते हैं और वहाँ पे बहुत सारे इंस्टाग्राम यूजर ऐसे हैं जो फेक है, जो कि बोलते हैं मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं होलसेलर हूँ, मैं सप्लायर हूँ, डीलर हूँ, और वो आपका पैसा लेके फरार हो जाते हैं। एक्चुअल में क्या है, डेली मेरे पास मैसेज आते हैं, एक दो मैसेज तो मेरे को डेली कहा जाता है मेरे इंस्टाग्राम में कि सर मेरे साथ फ्रॉड हो गया। बट देखो यार, मैं कोई एक्शन नहीं ले सकता क्योंकि मैं पुलिस वाला तो हूँ नहीं। बट कुछ चीज़ें मैं उनको बताता हूँ जो मैं आज आप लोगों के साथ करने वाला हूं कि हम कैसे जेन्युइन होलसेलर और मैन्युफैक्चरर्स के कांटेक्ट में आ सकते हैं, कैसे हम उनसे डील कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ों को हमें ध्यान में रख के उनके साथ डील करना चाहिए। तो आज मैं आपको सारे स्टेज बताऊंगा, ये चीज़ें अगर आप फॉलो करते हो तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि वो मैन्युफैक्चरर फिर होलसेलर फेक है या फिर रियल है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना, आपका भी कुछ सजेशन रहेगा तो डेफिनेटली आप नीचे कॉमेंट कर देना। और साथ ही साथ आपने अगर इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो नहीं किया, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना। तो सबसे पहले जो है वो है रियल आइडेंटिफिकेशन। अब देखो ऐसे बहुत सारे तो मैन्युफैक्चरर के पेज मिल जाएंगे जहां पे वो बायो में अपना रियल आईडी लिख के रखते हैं कि इस पेज को जो मैनेज कर रहे हैं उनका नाम ये है, अपना जो रियल आईडी वो मेंशन करके रखते हैं। तो जो फर्स्ट प्रैक्टिस है उसमें आप ये चीजें देखना कि उनका जो रियल आईडी है वो दिया है या नहीं है। कोशिश करना हमेशा उनके साथ डील करो जिनकी रियल आईडी दी हुई हो, या फिर आप डायरेक्ट उनको मैसेज कर सकते हो कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं और मैं काफी लॉन्ग टर्म आपके साथ बने रहना चाहता हूं, तो प्लीज अपना रियल आईडी आप मुझे दे दो तो मैं एक बार जान पाऊंगा कि आप कौन हो पर्सनली। तो ये चीजें करके आप डायरेक्ट उनकी रियल आईडी ले लो और देन उनके साथ आप आगे काम करो। क्योंकि देखो यार, जो भी होलसेलर से आप प्रोडक्ट लोगे, पहले जरूरी है कि आप उसको जान लो, बिना जाने आप कैसे किसी प्रोडक्ट लेके आप सेल करोगे। ठीक है, वो अगर देने को तैयार हो गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं देता तो डेफिनेटली आप उनके साथ डील मत करो। क्योंकि देखो कम पैसा कमाना ज्यादा अच्छा है लॉस करने के कंपेयर में। ठीक है, आप पूरा पैसा गवा दोगे उससे अच्छा आप कम ही प्रॉफिट करो, कम लोगों से सामान लो और कम लोगों को प्रोडक्ट सेल करो, एटलीस्ट पैसा तो रहेगा। अगर फेक को दे दोगे पूरा पैसा लेके फरार हो जाएगा, और ये चीजें आजकल बहुत ज्यादा होती है, आपको डेफिनेटली आपको पता ही होगा। आपके साथ कभी फेक हुआ है क्या, आप नीचे एक बार कॉमेंट में जरूर बताना। सेकंड है कमेंट सेक्शन चेक करना। तो क्या होता है, हर होलसेलर जो प्रोडक्ट्स वगैरह अपलोड करते हैं उनके कमेंट में बहुत लोग कमेंट करते हैं, प्राइस पूछते हैं या फिर प्रोडक्ट के बारे में पूछते हैं, तो उसका रिप्लाई दे रहे हैं या नहीं दे रहे। बहुत टाइम हम देखो कि रिप्लाई देते हैं, जो देते हैं डेफिनेटली वो जेन्युइन होते हैं, जो नहीं देते हैं वो जेन्युइन नहीं होते हैं। और आप देखोगे जो भी फेक होते हैं उनके तो कमेंट सेक्शन एक तो बंद होता है या फिर कमेंट सेक्शन में एक भी कमेंट नहीं होता है। उसके पीछे रीजन ये है कि वो सारे कमेंट डिलीट कर दिया है, क्योंकि उसने शायद किसी के साथ फेक किया होगा तो उसने रिपोर्ट करा होगा, कमेंट में लिखा होगा कि आपने फेक किया है, ये फेक है। तो वो बंदा क्या करता है, जो एडमिन रहता है पेज का, वो कमेंट्स डिलीट कर देते हैं। तो पहले तो कमेंट सेक्शन जाके चेक करो, अगर कोई प्रोडक्ट लिया है तो उनसे जाके एक बार बात कर सकते हो कि इनका प्रोडक्ट कैसा रहता है, आपने इनसे प्रोडक्ट लिया है या नहीं लिया है। जो भी कमेंट देखो, जो भी कमेंट किया उससे जाके एक बार बात कर लो, उनका एक्सपीरियंस इनके साथ कैसा रहा है। लॉन्ग टर्म काम करना है तो ये चीज़ आपको करना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है बट डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट आपके लिए होने वाली है। हालांकि मैंने बहुत सारे होलसेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स, सप्लायर्स, डीलर सारे नंबर्स मैंने अपने चैनल में देखे रखे हैं, तो उनके साथ भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थर्ड है फीडबैक। अब देखो कोई भी मैन्युफैक्चरर हो, होलसेलर हो, वो मार्केटिंग जरूर करता है अपने प्रोडक्ट का। और एक मैन्युफैक्चरर के पास है, फिर मैं अगर एक होलसेलर की बात करूँ, दोनों अगर प्रोडक्ट बेचते हैं तो एक दिन में 20 से 30 प्रोडक्ट उनका इजीली चले जाता है। मैं बहुत ज़्यादा कम बोल रहा हूँ, 100 करीब भी उनका प्रोडक्ट डिलीवर होता है डेली का। ठीक है, इवन मेरे भी जितने सारे होलसेलर जिनका नंबर मैंने शेयर किया उनके पास भी 50-60 प्रोडक्ट डेली के निकलते हैं मेरे थ्रू। ठीक है, जिनका मैंने प्रमोशन किया उनके डेली के 50-60 प्रोडक्ट निकलते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो भी ऑर्डर प्लेस होता है उनका फीडबैक जो रहता है वो अपने इंस्टाग्राम में या फिर अपने व्हाट्सएप के स्टोरी में डालते हैं, उससे क्या होता है ट्रस्ट बढ़ता है। तो आप चेक करना आप जिसके साथ भी ज्वाइन हो रहे हो उन्होंने फीडबैक्स अपडेट किया है क्या। अगर आप देख रहे हो कि फीडबैक 6 महीना पुराना है, 3 महीना पुराना है या फिर वो वीकली भी नहीं डाल रहे, तो समझ जाना कि ये बंदा मार्केटिंग नहीं कर रहा है, यानी ये फेक है। हालांकि देखो फेक रिव्यूज भी बनते हैं, फेक फीडबैक्स भी बनते हैं, बट आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। एटलीस्ट उसने अगर 10 भी फीडबैक्स डाले होंगे एक में तो आप पकड़ लोगे ना कि यार स्पेलिंग मोस्टली सेम है, लिखने का तरीका मोस्टली सेम है, जो टाइमिंग है वो सेम है, ये सारी चीज़ें देख के, फिर जो मोबाइल के स्क्रीनशॉट है मोबाइल सेम है, तो इससे आप पकड़ पाओगे कि यार ये तो एक ही फ़ोन से किया गया है, ये तो बंदा फेक है। ठीक है, इस तरीके से आप पकड़ सकते हो कि वो बंदा फेक है या फिर जेन्युइन है। फिफ्थ है डेली अपडेट्स। अब देखो जो भी मैन्युफैक्चरर है वो डेली के डेली अपडेट्स देता है, जो होलसेलर है वो डेली के डेली अपडेट्स देते हैं, बट जो फेक बंदा होता है ना वो बहुत ही कम अपडेट्स देता है, वो मार्केटिंग में अपना ज़्यादा टाइम लगाता है, लोगों से पैसा कैसे लूटा जाए उसमें वो ज़्यादा टाइम लगाता है। तो ये चीज़ें आप देख लेना, वो डेली के डेली अपडेट्स कर रहा है, अगर वो अपडेट दे रहा है तो क्या इमेजेस जो है मल्टीपल इमेजेस डाल रहा है। और एक चीज़ आप क्या कर सकते हो, उनकी इमेज की स्क्रीनशॉट ले लो और गूगल लेंस नाम का एक सॉफ्टवेयर आता है उसमें आप चेक करो कि इस बंदे ने गूगल से तो फोटो नहीं उठाया है। अगर वो गूगल से फोटो उठाएगा तो उसको जैसे आप लेंस गूगल लेंस में डालोगे तो स्कैन करके बता देगा ये गूगल से लिया गया है, फिर गूगल के कौन से फाइल से लिया गया है, फिर कौन से वेबसाइट से फोटो उठाया गया है, सारी डिटेल आपको बता देगा। बट अगर वो मैन्युफैक्चरर है, अगर होलसेलर है, तो डेफिनेटली वो अपने मोबाइल से या फिर अपने कैमरा से फोटो क्लिक करेगा,
तो वो चीज़ें गूगल में शो नहीं होगी। तो एक बेस्ट तरीका जहाँ से आप पता कर सकते हो कि जो इमेजेस है वो डाउनलोड की गई है या फिर उसकी पर्सनल इमेजेस है, ठीक है, इससे भी आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि वो होलसेलर है फिर मैन्युफैक्चरर जो है वो फेक है या फिर रियल है। फिफ्थ है प्राइस। अब देखो प्राइस बहुत मेन चीज होती है मार्केट में। अगर आप किसी बंदे से पहले से प्रोडक्ट लेते हो जिसकी कोई भी एक पर्टिकुलर जींस की प्राइस है 700 रुपये और वही जींस अगर आपको कोई 300 रुपये में दे रहा है तो आप समझ जाना या तो उसकी क्वालिटी घटिया होने वाली है या फिर ये बंदा फेक है, ठीक है, क्योंकि प्राइस की जो रेंज है ना अगर आप देखते हो कि बहुत ही ज़्यादा कम है तो समझ जाना कि ये बंदा फेक है, क्योंकि ऐसी चीज़ें मार्केट में होती है। लोग सस्ते में गैजेट्स वगैरह में सबसे ज़्यादा फेक होता है, लोग गैजेट बेचते हैं सस्ते में बोल देते हैं फर्स्ट कॉपी है, फिर आईफोन वगैरह में सबसे ज़्यादा फ्रॉड्स होता है आईफोन क्योंकि बहुत ज़्यादा बिकता है तो प्राइस कम कर देते हैं और लोग बाय करते हैं और उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। टेलीग्राम में ये फ्रॉड बहुत अति होता है, मेरे पास बहुत ज़्यादा मैसेजेस ऐसे आते रहते हैं। 11,000 में आईफोन 11, 12 मिल जाता है, आजकल तो 11, 12 छोड़ के भी 13s भी आ रही है जो कि 11,000 में देते हैं, ऐसा बोलने का है पैसा लेने के बाद देते नहीं है, ठीक है, तो ऐसे फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप देखते हो कि प्राइस बहुत ज़्यादा कम है जो कि मोस्टली गैजेट्स में होता है तो समझ जाना कि यार घोटाला है, यहाँ से बच के जाओ, वो ज़्यादा बेस्ट है। उसमें भी आपको बहुत सारे फेक रिव्यूज़ दिखाए जाएंगे, आप टेलीग्राम में चले जाओ आईफोन 13, आईफोन 12, आईफोन 11 करके सर्च करो, ऐसे बहुत सारे फेक ग्रुप्स आपको मिल जाएंगे। फेक ग्रुप्स के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो नीचे एक बार मुझे कमेंट कर देना तो उसकी भी मैं थोड़ा पोल पट्टी खोल दूंगा। हालांकि मैंने एक वीडियो बनाया था इंस्टाग्राम क्रिप्टो फ्रॉड्स के ऊपर जो कि बहुत अच्छी चली और बहुत ज़्यादा मेरे पास मैसेज आता है कि कैसे क्रिप्टो के बहाने लोगों से 20-30-40,000 रुपये तक लूटा जाता है। आई बटन में मैं ये वीडियोस दे दूंगा, आप एक वीडियो जाके वाला देख लेना, काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद आपके लिए होने वाले, फिर आपके जो आजू बाजू वाले हैं उनके लिए अच्छा, उनके लिए प्रॉफिटेबल होने वाली है, ये नॉलेज आपको होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इस वीडियो को मैं यहाँ पे मैं खत्म करूँगा, यहाँ पे मैंने 5 तरीके बताए, आई होप 5 तरीके आपको पसंद आए होंगे। आपके पास कुछ आइडिया है या फिर आपके साथ कभी फ्रॉड हुआ है ऐसा ऑनलाइन तो आप नीचे कॉमेंट में मुझे ज़रूर बताना, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना। अगर आपके कोई रीसेलर्स है तो रीसेलर्स को ज़रूर शेयर करना, अगर आप होलसेलर हो तो पहले तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म करूंगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।